हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं नीतिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत। गाइज देखिए मेरे साथ मॉर्निंग व्यू, और जी आज है गाइज मौसम बिल्कुल एकदम साफ, आज फॉग वगैरह नहीं आया और लगता है आज सुबह से ही धूप निकलेगी। तो जी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जी दो दिन से इतनी धुंध थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जी देखिए नीरज लेकर जा रहा है नीचे अपनी चाय, और देखिए जी मौसम गुलाबी गुलाबी, सूर्यदेव निकलने वाले हैं। तो गाइस देखिए आ गई है हमारी बिल्ली रानी, और लग गई है इसको भूख। क्या चाहिए? चलो 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 चलो, अब पिएगी जी ये दुद्धू, इसको भूख लगी बहुत जोर से। गाइस देखिए सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अब ना जी थोड़ा थोड़ा फॉग सा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ठंडी बहुत हो रही और जी ऐसे कपकपी सी हो रही है आज तो बहुत। और जी देखिए हमारा नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया है। हमने नाश्ते में बनाए हैं मूली के पराठे, आइए गाइस गर्मा गर्म आप भी खाइए हमारे साथ में। जी देखिए धूप तो बढ़िया निकल गई, और गाइज टाइम हो गया है जी दोपहर के 11 बजने वाले, और जी जिस दिन बच्चे घर पे रहे ना, तो गाइज उस दिन टाइम तो पता नहीं कैसे निकल जा रहा, काम तो खत्म होता ही नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों को नहलाना और फिर झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कपड़े इतने हो जाते हैं, तो जी टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। और गाइज देखिए अब बनाऊंगी खाना, और जी अभी तो 11 बज चुके हैं, छोटा सा दिन होता है ऐसे ही चला जाता है। चलिए जी अब बनाएंगे खाना। और जी देखिए लगता है फिर से पाइप वाइप डलेंगे रोड पर, क्योंकि उसी की तैयारी से लग रही पाइप वगैरह डलने की होंगी, लेकिन किस तरीके से लेकर जा रहे हैं पाइप को। गाइस देखिए हमारा खाना तो बनकर रेडी हो गया है, और जी चलिए अब खिलाएंगे सभी को बाहर। पापा जी और पति देव बैठे हैं खाना खाने। तो गाइस देखिए खाना तो घर में सभी ने खा लिया है, सभी खा रहे हैं। कर रही हूँ खाना खा लो बेटा। हाँ, मेरा ही तो लग रहा है। हाँ, तो इसमें अभी मीठा रखो। तो गाइस देखिए टाइम हो गया है जी दोपहर के 3 बज गए हैं, और अब सभी के लिए बनाऊंगी चाय, और मिलिए जी दीशु से भी। हेलो करो सबको, क्या चाहिए आपको, क्या लोते? फ्रूट चाट। ठीक है चलो मैं बना के देती हूँ। फ्रूट चाट खाओगे? तो जी मैडम का ऑर्डर है फ्रूट चाट खाने का, अब इसके लिए फ्रूट चाट बनाऊंगी। तो जी देखिए इधर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी, और इधर बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाऊंगी, फ्रूट भी निकाल लिए। देखे देवशी हो गई है जी रेडी, कहीं घूमी घूमी जाने के लिए। कहाँ पे जा रहे बता दो सबको। संडे है ना? अच्छा, तो हम पापा और मैं घूमने मस्ती करने जा रहे हैं। मस्ती करने जा रहे? इतनी ठंड में मस्ती करने जा रहे? कहाँ पे जा रहे मस्ती? मंगलोर। मंगलोर? शाम हो रही बेटा, आप रहने दो। अच्छा ठीक है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ आराम से, ठीक है। क्या लेके आओगे बताओ? मिठाई। मेरे लिए क्या लेकर आओगे? आपके लिए बैंडल। है बैंडल, इयररिंग। इयररिंग ठीक है, लेकर आना पक्का पक्का, प्रॉमिस। ओके चलो सबको गाइज को बाय बाय बोल के जाओ। बाय बाय, चलो आराम से निकलो।
तो गाइस देखिए बच्चे हो गए हैं कहीं जाने के लिए रेडी। कहाँ पे जा रहे भाई? मुझे तो बोला कि गांव में जाएंगे। अरे अब नीचा ते प्रोग्राम चेंज हो गया इनका, अब पहनाने पड़े फिर इन्हें कपड़े मोटे मोटे। पैसे उठा दे, पैसे तो देते कुछ छोड़ दो। पैसे भी मैं ही दूंगी। जा रख रखे वहां से लो अपने पैसे, तूने जरा रखे हैं मैं ही दूंगी, मेरे फिर वापस तो देते नहीं। हमने कौन से रखे तेरे? सारे तो ले रखे हैं मेरे, मेरा हिसाब कभी आगे पूरा नहीं करते। तो गाइस देखिए टाइम हो गया है जी, शाम के 5:30 बज गए और जी मेरे पीछे देखिए सनसेट हो चुका है, मौसम गुलाबी गुलाबी हो चुका है और फ्रेंड्स ठंडी काफी हो रही है जी। सर पे कैप लगानी पड़ेगी अब लगाऊंगी क्योंकि पहले बच्चों को रेडी करके भेजा। और गाइस सर में ना हल्का हल्का सा दर्द सा हो रहा, दोपहर में मट्ठा पी लिया था इन्होंने जबरदस्ती पिला दिया कि अच्छा है, और जी तब से ना सर में हल्का हल्का सा दर्द सा हो रहा, तो दवाई वैसे मेरे से ली नहीं जाती। देखूंगी अगर काम चल गया तो भैया नहीं लूंगी, अगर नहीं चला तो लेनी पड़ेगी। और वैसे गाइस अब ना सभी ध्यान रखिए क्योंकि जी ठंडी बढ़िया वाली पड़नी स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब सबसे पहले जोत जला देते हैं। तो गाइस देखिए बच्चे आ गए और देखो जी क्या क्या शॉपिंग करके लाई। अच्छा ये तो मेरे भी आ जाऊंगी, रखिए नीचे रखिए देखो पहन के। बूट दिखाइए, दिखाओ दोबारा दिखाओ। वाओ बड़े सुंदर लग रहे, हील वाले पहन के चल भी ले गए बेटा। ये देवशी के शूज है, देवशी के दोनों पहन ने सेम लेक आई। इससे अलग है, उससे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे को देवशी के। ये पापा के होंगे। तो क्या है इसमें? एक पापा का स्टाफ है। दिखाओ निकाल के दिखाओ बेटा, सब चीजें दिखाते हैं। ये वाला स्टाफ है ब्राउन कलर का। अच्छा मफलर बोलते हैं इन्हें। ये दिखाओ इसमें क्या है? ये तो पट्टी वगैरह है ड्रेसिंग का, दिखाओ पट्टी। चल दिखाता हूँ, इसमें कॉटन है। अच्छा और ये पता नहीं क्या है, ये तो साइड चेंज करो। ये तो DSR कैप्सूल है, DSR और गैस हिजाब के कैप्सूल होते हैं, ये एसिडिटी वगैरह बनती है। DSR है, ये सब वही है। और ये ट्यूब है, इसको मेरे को पता नहीं है क्या होता है। अरे थ्री पर ठीक है, चलो रख दो। दिखा इधर को दिखा के। फोटो पहन ले।
क्या करके फिर तो काम नहीं आएगा छोटे बच्चे का फिर तो और कोई हमारा हेल्प कर दे बड़ा बीते बच्चा तो सकाम आ जाएगा कितने रुपए की लाई चल के दिखा। मैं भी मंदिर चल के दिखा। तो ये नहीं होगा तो किसे गुलाब का करके क्या? और तो भाई।